हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आज हम बनाएंगे एक लौकी से ढेर सारा पनीर। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये पनीर बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, कम खर्चे में बनते हैं, घर के सामानों से बनते हैं और कम समय में बनते हैं। अगर एक बार इसे आप ट्राई कर लेंगे ना बना के, फिर आप महीने के 30 दिन में 20 दिन इस तरह के पनीर बनाएंगे और बाज़ार से पनीर लाना भूल जाएंगे। इस तरह से अपने घर में सभी को पनीर बना के खिलाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इस पनीर को, आपको भी दिखाते हैं। लौकी के पनीर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ताज़ा लौकी लेना पड़ेगा। इस तरह के लौकी लिए हम, देख लीजिए बिल्कुल पतले हैं और ताज़े हैं। ऐसा नहीं कि दो तीन दिन पहले हम मार्केट से ले आए और रख दिए, तीन चार दिन के बाद बनाएंगे। ये पनीर बनाने के लिए बिल्कुल ताज़ा लौकी चाहिए। अब पनीर बनाने के लिए हम एक लौकी लिए, इसके वज़न ना 250 ग्राम है, ज़्यादा वज़न नहीं है। कम लौकी में ही ढेर सारा पनीर बन के तैयार हो जाते हैं, तो मेरे फैमिली भी छोटे हैं तो 250 ग्राम लौकी लिए हैं हम। इसके आगे पीछे के जो जड़ है ना, उसको काट के हटा दिए हैं। उसके बाद हम छिलनी से अच्छे से लौकी को छील लिए हैं। आपको जैसे भी सुविधा हो आप छील सकते हैं लौकी को, बिल्कुल इसके छिलके निकल जाना चाहिए। लौकी को छीलने के बाद तीन चार पानी से इसको हम तीन चार बार धो लेंगे, क्योंकि इसके पीस बन जाने के बाद ना इसको नहीं, लौकी को नहीं धोते हैं, क्योंकि लौकी में ना ऑलरेडी बहुत सारे पानी होते हैं। इसी वजह से लौकी की पीस बनाने के बाद इसको नहीं धोते हैं। अगर हम इसको धो देंगे पीस बनाने के बाद, फिर पनीर पतले हो जाएंगे। पनीर के स्टफिंग जो हम तैयार करेंगे ना, वो पतले हो जाएंगे एकदम से, और पनीर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे, इसीलिए हम इसको पहले ही धो दिए हैं। अब देख लीजिए लौकी के जो है, एक लौकी के तीन चार टुकड़े कर दिए हैं, बीच से भी इसको हम कट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ना तो छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। तो देख लीजिए किस तरह के पीस बनाना है, हम आपको बना के दिखाते हैं। इसी तरह के पीस आपको बनाना है, तो सारे लौकी को ना हम इसी तरह से पीस बना लेते हैं। बहुत आसान है इस पनीर को बनाना और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप सभी को बेहद पसंद आएंगे ये पनीर, लौकी के पनीर। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लीजिए लौकी में बिल्कुल भी बीज नहीं है, एकदम से ताज़ा लौकी है। अगर आप ताज़ा लौकी से पनीर बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो क्या होगा, आपका जो पनीर बनेगा वो एकदम डायरी जैसे बनेंगे और पता ही नहीं चलेगा जो खा लेंगे उसको कि डायरी का पनीर है ये, फिर या लौकी का पनीर तैयार किए हैं। तो इस लौकी के पनीर को ना एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, देख लीजिएगा कितना टेस्टी बनते हैं। लौकी से पनीर की वीडियो हम सब इससे पहले भी डाले हैं, जो कि आप लोग को बहुत पसंद आए थे, बहुत सारे प्यार मिला उस रेसिपी में। एक बार फिर से हम डाल रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें और क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बताएंगे क्या क्या क्लियर किए हैं इस वीडियो में हम। तो चलिए देख लीजिए, लौकी के जो पीसेस हैं वो हम ग्राइंडर जार में डाल दिए हैं। उसके बाद हम इसमें दो चम्मच एकदम फ्रेश दही डाले हैं। दही डालने के बाद इसमें हम डाल दिए हैं छोटी चम्मच से आधी चम्मच नमक और एक चम्मच मैदा। मैदा की जगह पर आप बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन क्या करते हैं, अपना टेस्ट ले आता है, इसलिए हम यहाँ पर मैदा का यूज़ किए हैं। मैदा डालने से पनीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही अच्छा पनीर बन के तैयार होता है। तो चलिए देख लीजिए, ग्राइंडर जार के कैप को बंद करके को हम ग्राइंड कर लिए हैं। ग्राइंड करने के बाद देख लीजिए, ग्राइंडर जार के कैप को खोलते हैं तो कितना फाइन सा पेस्ट तैयार हो गया है बनके, आपको दिखाते हैं कितना बारीकी पेस्ट बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना लाजवाब पेस्ट बनके तैयार हुआ है। पेस्ट तो तैयार हो गया है बनके पनीर बनाने के लिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम एक प्लेट लेते हैं, प्लेट में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, पानी सूखा होना चाहिए प्लेट का। और देख लीजिए, अगर सूखा नहीं है तो आप इसको कॉटन के कपड़े से प्लेट को अच्छे से पोंछ लें। पोंछने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डालें, और ऑयल डालने के बाद इसको क्या किए हैं हम, देख लीजिए थोड़ा सा ऑयल डाले हैं और अच्छे से इसको ग्रीस कर लिए हैं प्लेट को ऑयल से। इसमें क्या होगा, हम पनीर बनाने के लिए पेस्ट डालेंगे ना, तो एकदम से पनीर फ्रेश पनीर बनके तैयार होगा, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं प्लेट में पनीर। अब हम प्लेट में सारे पेस्ट को डाल दिए हैं, और ग्राइंडर जार में जो लगा हुआ है ना, उसको भी हम स्पून से इस तरह से समेटते हुए इसमें डालेंगे। ग्राइंडर जार में ऐसा नहीं कीजिएगा आप कि पानी डाल देते हैं धो के इसमें डाल देंगे, पानी नहीं डालना है, जितना निकल सके स्पून से ही या फिर हाथ से आप निकाल दें। देख लीजिए, प्लेट में डालने के बाद इसको हम स्पून से अच्छे से मतलब एक जैसा एक सामान में इसको हम ना अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। तो अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम थोड़ा सा टैप टैप कर देते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, टैप टैप करने के बाद ना एकदम से सेट हो गया है बैटर, मतलब इस प्लेट में। अब चलते हैं थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेते हैं इसके लिए। तो दो यहाँ पे टमाटर ले लिए हैं हम, और तीन प्याज है, 10 कलियाँ लहसुन के लेंगे,
और वो भी हम छील के रख लिए हैं। यहाँ पे हम टमाटर और प्याज को छील के ना अच्छे से धो लिए हैं। टमाटर की जो जड़ है ना उसको काट के हटा दिए हैं और प्याज की जो जड़ है ना वहाँ पे दोनों तरफ से चीरा लगा दिए हैं। चीरा लगाने के बाद क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे कटोरा लेंगे, आप कोई सा छोटा सा प्लेट भी ले सकते हैं। तो देख लीजिए किस तरह के हम कटोरा लिए हैं। तो सेम अगर कीजिएगा ना तो फिर परफेक्ट पनीर बन के तैयार होगा। तो सेम प्रोसेस अगर पहली बार बना रहे हैं ना तो आप सेम प्रोसेस कीजिएगा, तो उससे क्या होगा आपका पनीर ख़राब नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज और टमाटर को अच्छे से सेट कर दिए हैं प्लेट में और इसमें डाल देंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। छिले हुए लहसुन की कलियाँ हैं, इसमें आप चाहे तो हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं, गैस जलाए हैं, गैस के ऊपर चढ़ा दिए हैं कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिए हैं 1 गिलास पानी और पानी में ना टमाटर प्याज वाले कटोरा को अच्छे से सेट कर दिए हैं। कटोरा के ऊपर में डाल दिए हैं इस तरह से पनीर के पेस्ट वाले प्लेट और उसके बाद इसको हम ढक्कन से अच्छे से कवर कर दिए हैं और इसको हम क्या करेंगे 5 मिनट तक हाई फ्लेम में स्टीम करेंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाते हैं। तो देख लीजिए एकदम फ्रेश पनीर बनके तैयार हो गया है। अब हम इससे प्लेट हटा लेंगे, तो मतलब छूने से ही पता चलता है पनीर बनके तैयार है। तो अब हम इस प्लेट को निकाल लेते हैं कढ़ाई से और देख लीजिए टमाटर और प्याज भी पक के रेडी हो गया है, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं गया है। पानी जाने से टेस्ट ख़राब होता टमाटर और प्याज का, इसीलिए हम पानी में नहीं डाले थे। तो देख लीजिए बहुत ही बढ़िया से स्टीम हो गया है टमाटर और प्याज। इस प्लेट को भी हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से और पानी को हम फेंक के मतलब फिर उसी कढ़ाई में बनाएंगे ग्रेवी और तैयार करेंगे पनीर की सब्ज़ी। देखिए फ्रेंड्स, पनीर कितना मतलब अच्छा बन के तैयार हुआ है कि एक बार हम स्पून इसमें लगाए कि निकल आया बाहर पनीर। तो इसी तरह से पनीर बनाइएगा। देखिए 5 मिनट में पनीर बन के घर में तैयार हो गया है, कम खर्चे में, कम सामान में, बिल्कुल बढ़िया पनीर। तो चलिए हम पनीर को ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। इधर हम टमाटर के जो है छिलके उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे एक ग्राइंडर जार, उसी में डाल देंगे टमाटर के पीसेस इस तरह से कट करके। तो देख लीजिए बहुत मतलब मोटे मोटे पीस भी डालेंगे तो ग्राइंड हो ही जाएगा, तब पर भी हम इसको ना 4 पीस, एक टमाटर के 4 पीस बनाएंगे इस तरह से। तो देख लीजिए इसी तरह से हम पीस बना लेंगे सारे टमाटर के, और प्याज के पीस तो बना ही हुआ है, इसको हम हाथ से ही तोड़ के डाल देंगे इस तरह से। तो सारे प्याज और टमाटर के पीसेस बना लिए हैं। अब इसमें 5-6 लहसुन की कलियाँ जो स्टीम किए हैं वो भी डाल देंगे और ग्राइंडर जार के कैप को बंद करेंगे। इसे भी हम एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे ग्राइंड करके। तो देख लीजिए पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम इसी पेस्ट से ग्रेवी तैयार करेंगे कम मसाले में, कम खर्चे में। अब हम प्याज टमाटर के पेस्ट को रख दिए हैं साइड में, इधर मतलब पनीर ठंडा हो गया है। अब हम इसको ना प्यारा सा पीसेस छोटे छोटे कर लेते हैं, एकदम मार्केट के जैसा पीसेस बनाएंगे हम। तो देख लीजिए इस तरह से छुरी लेना है और इस तरह से पीस बनाना है। दिखाते हैं आपको कितना प्यारा सा मतलब पनीर बन के तैयार हुआ है, एकदम डायरी जैसे पनीर बन के तैयार हुआ है। एकदम मोटे मोटे से हम पनीर के पीसेस बनाए हैं। तो देखिए एकदम सॉफ्ट सा पनीर बन के तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बने हैं। अब हम सारे पीसेस को अलग कर लेते हैं, दूसरे प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। तो देख लीजिए आपको दिखा देते हैं 2-4 पीसेस, कितना आपको विश्वास हो जाए कि बहुत ज़्यादा टेस्टी पनीर बन के तैयार होता है, एकदम से मतलब लगता है पनीर बन के तैयार हुआ है। अब हम इस प्लेट में निकाल के रख लेते हैं सब पनीर के पीसेस ना, हम एक एक करके निकालेंगे ताकि एक भी पनीर के पीसेस टूटे ना, एकदम से फ्रेश रहें, इसीलिए हम एक एक करके निकाल रहे हैं। तो देख लीजिए सारे प्लेट पे हम पनीर के पीसेस लगा दिए हैं इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम फिर से गैस जलाए हैं, गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई एकदम से गर्म हो गया है। तो उसमें हम डाल दिए 2 से 3 चम्मच सरसों ऑयल में डाल देंगे हम 2 चम्मच जीरा, साबुत जीरा डालना है, और जीरा को थोड़ा सा चटकने देंगे। उसके बाद इसमें हम 1 लाल मिर्च को तोड़ के डालेंगे। जो हम जीरा के फ़ौरन डाले हैं ना तेल में, उसको अच्छे से पकाएंगे, जलाना नहीं है। तो देख लीजिए किस तरह से पकाना है, इस तरह से पका लिए हैं। अब इसमें हम डाल दिए प्याज और टमाटर लहसुन के पेस्ट। प्याज लहसुन की पेस्ट डालने के बाद मसाला को अच्छे से मिक्स किए हैं तेल में, फ़ौरन में मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक, सादा नमक। अगर आप बना रहे हैं तो आप स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा यहाँ पे। उसके बाद हम इसमें डाल दिए 1/4 चम्मच से 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्दी पाउडर डालिएगा। 1 चम्मच डाल दिए हैं धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल दिए हैं जीरा पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पर पनीर मसाला, और 1/2 चम्मच डाले हैं लाल मिर्च पाउडर, भर के डाले हैं 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च पाउडर। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 चम्मच पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसालों को।
गैस को रखेंगे इस समय भी हम मीडियम फ्लेम में, और इस मसाले को हम अच्छे से मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। जब तक तेल ऊपर आ जाता है मसाले के, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो देख लीजिए तेल ऊपर आ चुका है, तो मसाला फ्राई हो के रेडी है। इसमें हम डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो यहाँ पे हम छोटे गिलास से एक गिलास पानी डाले हैं। यहाँ पे हम पानी ग्रेवी के लिए कम डाले हैं, तो कम ग्रेवी बन के तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा बनाएं सब्जी, तो आप ज़्यादा इसमें यहाँ पे पानी बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा, तो फिर आपका सब्जी थोड़ा ज़्यादा बन के तैयार होगा। देख लीजिए, अब हम ग्रेवी में पानी को अच्छे से मिक्स कर दिए। उबाल आने के बाद एक चम्मच के हिसाब से हम डाल दिए हैं इसमें कसूरी मेथी, और देख लीजिए कसूरी मेथी को अच्छे से मिक्स किए हैं। ग्रेवी अच्छे से पक के रेडी हो गया है। अब इसमें जाएगा लौकी के पनीर। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, सारे लौकी के पनीर हम एक एक करके इसमें डाल रहे हैं। एक एक करके ही सारा पनीर इसमें डाल देना है, और करछी इसमें ज़्यादा नहीं चलाना है। ज़्यादा करछी चलाएंगे ना, फिर पनीर के पीसेस टूटने लगेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पनीर बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम एक दो बार इसको मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम में इसको पकाएंगे एक दो मिनट तक। और बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं इसके पनीर के जो मतलब ग्रेवी है ना, वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं बहुत तेज़ी से। तो इसमें थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे ताज़ी मलाई, एकदम से दूध का मलाई डाले हैं। दूध की मलाई को हम अच्छे से मैश कर दिए हैं, उसके बाद डाले हैं। मलाई डालने के बाद अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर दिए हैं मलाई को, और दो मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम में पकाए हैं। उसके बाद हम गैस चूल्हा को बंद कर दिए हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा टेस्टी पनीर बनके तैयार हुआ है। तो यकीन नहीं होता है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए इस रेसिपी को। एक बार अगर दिल से ट्राई करके खा लिए ना, तो फिर आप महीने में 4 से 5 बार ज़रूर बनाएंगे, बाज़ार से पनीर लाना भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर रोज़ नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए, ताकि पनीर बाजार से आज के बाद कोई नहीं लाए, घर में इस तरह से लौकी के पनीर तैयार करें। मिलते हैं कल नई रेसिपी के।